हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी मैथ्स की चैप्टर थर्ड की थर्ड ऑनलाइन क्लास है। अभी तक अपन एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं, 3.2 कर चुके हैं। आज अपन एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम था प्लेइंग विद नंबर्स। आज आपका वीडियो पार्ट सी है। आज अपन पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, कुछ नंबर्स के डिविजिबल। जैसे कि मान लो अगर बहुत बड़ा नंबर है 2, 4, 6, 8, 4, एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, किससे करूं, तो क्या पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा या कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा? अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा नहीं। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, इसको मैं 8 से डिवाइड करूं, तो अगर मैं किसी नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करूं तो वो पूरा का पूरा डिवाइड होएगा या नहीं होएगा, बिना डिवाइड करे अपन कैसे बता दें, वो अपन को डिविजिबिलिटी रूल बताता है। और हर नंबर का अलग डिविजिबिलिटी रूल है। 2 का अलग होता है, 3 का अलग होता है, 4 का अलग होता है, 5 का अलग होता है, फिर 6 का अलग होता है, 8 का होता है, फिर 9 का होता है, फिर 11। हमें मतलब अपन को नंबर को बहुत सा बड़ा नंबर होगा और हमसे पूछेगा कि बताओ ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 6 से होगा या नहीं होगा, 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 11 से डिवाइड। तो अलग अलग नंबर से डिविजिबिलिटी पूछेगा कि बताओ ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो अपन क्या करते हैं भाई, डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर आ गया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं करना। हमें बिना डिवीज़न परफॉर्म किए, ये वाला डिवीज़न बिना परफॉर्म किए डायरेक्ट बताना है कि ये नंबर किसी दूसरे नंबर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हर नंबर का अपना एक डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इस नंबर से ऐसे पता लग जाएगा भाई डिविजिबल है या नहीं, दूसरे नंबर से। सबका अपना अपना रूल है, ठीक है। तो अपन लाइन बाय लाइन सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल है डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कोई भी नंबर है हमें कैसे पता लग जाए बिना सॉल्व किए कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसके लिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर एंड डिजिट, लास्ट डिजिट नंबर की एंड डिजिट, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो, अगर किसी भी नंबर की वंस डिजिट, देखो वंस मतलब इधर से वंस, टेंस, हंड्रेड होता ना, तो अगर किसी भी नंबर की वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बताओ 356 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो लास्ट में क्या है 6, ये वंस प्लेस का नंबर होता है, वंस ये टेंस ये हंड्रेड, तो वंस प्लेस के नंबर को देखना। अगर वंस प्लेस पे टेंस हंड्रेड पे कोई भी नंबर हो, लेकिन वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर हो जाए, 0, 2, 4, 6 या 8, तो वो नंबर 2 से हमेशा डिवाइड होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, अगर लास्ट नंबर 2 की टेबल में आ रहा है, जैसे 2, 3 या 6 आता ना, तो वो नंबर पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। आप करके देख लो, तो यहाँ पे 6 आ गया ना, तो 6 तो है, तो यानी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं करके देख लेता हूँ, 356 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 1, 5 नोट कर लिया, 2 7 14, माइनस करूँ 15 में से 14 किया 1 बचा, फिर हुआ 16, 2 8 16, तो पूरा पूरा कट गया, देखो रिमाइंडर 0 आ गया। तो 356 को 2 ने डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा डिवाइड किए बिना डायरेक्ट कैसे बता दिया लास्ट में 6 है ना, तो जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर पूरा का पूरा 2 से डिवाइड होता है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैंने आपके लिए 4 नंबर लिए हैं, इन चारों नंबर्स को बताना है डिविजिबिलिटी रूल लगा के कि ये 2 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। तो देखो पहला नंबर के वंस डिजिट क्या है 0, तो 0, 2, 4, 6, 8 में आता है, तो यानी ये 2 से डिवाइड होगा। अगले नंबर का लास्ट डिजिट क्या है 1, 0, 2, 4, 6, 8 में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसका लास्ट नंबर क्या है 4, तो 4 तो आ रहा है 4 में, तो ये डिवाइड होगा। इसका लास्ट नंबर क्या है 7, तो 0, 2, 4, 6, 8 में नहीं आ रहा, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा।
अगर लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 कि अब डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे पता चले कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखो इसमें लास्ट डिजिट नहीं देखते, इसका कुछ अलग ही तरीका है। जैसे आप क्या करो, डिजिट्स का सम निकालो, सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल है, 3 का क्या है मल्टीपल, यानी 3 की टेबल में आता है, मल्टीपल ऑफ 3 है, सम ऑफ डिजिट्स क्या है मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 की टेबल में आता है, तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा नहीं तो नहीं होगा। एग्जांपल 255। बताओ ये नंबर 255 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए लास्ट डिजिट नहीं देखनी, लास्ट डिजिट तो 2 में देखनी थी, 0, 2, 4, 6, 8। इसका रूल क्या है, आप डिजिट्स को प्लस कर दो, 2 प्लस 5 प्लस 5, तो 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12। 12 3 की टेबल में आता ही नहीं आता, आता है यानी 12 क्या है 3 का मल्टीपल है, है तो यस ये पूरा का पूरा नंबर 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। आप चाहे चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 255 में 3 का डिवाइड दो तो 3 8 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 1 ये 0, 15 5 उतारने पे बन गया 15, तो 3 5 15 पूरा का पूरा चल गया। तो देखो पूरा चल गया, नीचे रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, डिजिट्स को प्लस कर लो, डिजिट्स का प्लस अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा नहीं तो नहीं होगा। चलिए मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, आप बताओ ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे डिजिट्स का सम करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 करो, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6 आ गया, 6 आ गया तो 6 3 की टेबल में आता है क्या, हाँ, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, यस। अब कितनी बार होगा ये नहीं बता सकते, सिर्फ होगा या नहीं होगा ये बता सकते अपन। इसमें क्या करो, डिजिट्स को प्लस करो, 2 प्लस 5 7 7 प्लस 4 11 11 प्लस 3 14 14 प्लस 4 18, यहाँ डिजिट्स का सम कितना आ गया 18 आ गया। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, ऐसे डिजिट्स को प्लस करके बताओगे आप, ठीक है। तो डिजिट्स का सम आ गया 18, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यस, क्यों, क्योंकि 18 3 की टेबल में आता है, 3 6 18। चलिए अब बात करते हैं इस नंबर की, तो 9 और 1 10, 10 और 0 वही 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16। यहाँ पे डिजिट्स का सम कितना आ गया 16 आ गया। अब 16 3 की टेबल में नहीं आता, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ध्यान रखना है डिजिट्स को सम करने का रूल आपको 3 में लगाना है, ऐसा नहीं कि 2 में लगाओ, 2 का रूल अलग होता है। 2 का रूल क्या है कि लास्ट कोई भी नंबर पूछे 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो लास्ट का डिजिट देखना है, 0, 2, 4, 6, 8 हुआ तो होगा नहीं तो नहीं होगा। और 3 का रूल है 3 में लास्ट का डिजिट नहीं देखना, 3 में क्या करना है डिजिट्स को प्लस करना है, अगर डिजिट्स को प्लस करने पे बना हुआ नंबर 3 की टेबल में हुआ, 3 का मल्टीपल हुआ, तो वो डिविजिबल होगा 3 से पूरा नंबर भी नहीं तो नहीं होगा। अब बात करते हैं 4 की, डिविजिबिलिटी रूल बाय 4, कैसे पता चले कि नंबर 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा। जैसे मान लो 2 5 3 1 6 ये नंबर है, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसका क्या होता है, आप लास्ट के 2 डिजिट्स नंबर ले लो, नंबर की क्या ले लो, लास्ट के 2 डिजिट्स ले लो। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाएं, 4 4 16 पूरा का पूरा, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। और अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड नहीं हो तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सा रूल है कि अगर आपको पता करना है कि नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट्स को अलग से डिवाइड कर लो, अगर डिवाइड हो गया पूरा पूरा तो पूरा नंबर डिवाइड होगा नहीं तो नहीं होगा। समझ में क्या, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन ले लिए मैंने, आपको नंबर बताना है कि ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला लेते, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है 69, तो 69 में 4 का डिवाइड दो, 4 1 4 माइनस करोगे 2 29 और 4 7 28 माइनस करोगे 1, तो रिमाइंडर बच गया, यानी पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ, लास्ट के 2 डिजिट्स पूरे डिवाइड 4 की टेबल में पूरा डिविजिबल नहीं हुए, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, नो।
आपको साइड में से दिखाना है, लास्ट के टू डिजिट्स को डिवाइड करके दिखाना है, रिमाइंडर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, इसके लास्ट के टू डिजिट देखते हैं, तो 52 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, 4 1 4 माइनस करेंगे 1, ये 2 एज इट इज़, 4 3 12 माइनस किए तो पूरा कट गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब लास्ट के टू डिजिट्स 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गए, यानी ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया? तो बिन पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, लास्ट के टू डिजिट्स डिवाइड करके देख लो, अगर होते हैं तो पूरा नंबर होगा, नहीं होते हैं तो नहीं होगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं 5 की। कैसे पता चले कि नंबर 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा? तो इसका सिंपल सा है, बहुत सबसे सिंपल, लास्ट का डिजिट अगर 0 या 5 है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा, और अगर कोई और नंबर है तो नहीं होगा। जैसे 254, लास्ट में 4 है ना, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। 360, लास्ट में 0 है तो डिवाइड होगा। 265, लास्ट में 5 है तो डिवाइड होगा। 371, लास्ट में 1 है तो डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट में अगर 0 होता है या 5 होता है आखिरी डिजिट, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं होता, सिर्फ देख कर ही बता सकते हो आप। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 6 का। देखो 6 में क्या करना है, अगर कोई नंबर 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो 6 से डिवाइड होगा। 6 का अपना कोई रूल नहीं होता, आप कोई भी नंबर है तो उसमें 2 का भी रूल लगा दो, 3 का भी लगा दो, अगर दोनों लग गए तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे 252, ठीक है, बताओ ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप इसमें 2 का रूल लगाओ, पहले 2 का रूल लगाओ कि ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो 2 का रूल क्या था कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो होगा, जिसके लास्ट में 2 है तो यानी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से होगा। अब बात करें 3 से, तो 3 का रूल क्या पढ़ा था अपन ने, डिजिट्स को प्लस कर लो, तो 2 + 5 + 2 2 + 5 7 7 + 2 9 आ गया। अब 9 की 3 भी, 9 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता? आता है, ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। तो अपन ने 2 का भी रूल लगा दिया, लास्ट में 2 है इसलिए 2 में भी जाएगा, और इन डिजिट्स का सम 9 आ रहा है जो कि 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो आपको कभी भी पूछे कि 6 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप उसमें 2 का रूल लगा दो, 3 का रूल लगा दो, अगर दोनों रूल लग गए तो होगा। अब मान लो एक नंबर है 364, बताओ ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप पहले 2 और 3 का रूल लगाओ, 2 का रूल, लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिवाइड होता है, तो लास्ट में 4 है यानी होगा। 3 का रूल क्या था, डिजिट्स को प्लस कर लो, 6 + 3 9 9 + 4 13, डिजिट्स का सम कितना आ गया, 13 आ गया। अब 13 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, यानी 3 का रूल नहीं लगा, 2 का रूल लग गया 3 का नहीं लगा, यानी ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों रूल लगना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए 3 से भी, अगर 1 से हो गया 1 से नहीं हुआ तो भी वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 का। अब बात करते हैं 7 का, कोई डिविजिबल रूल डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता, 7 का भी नहीं पढ़ते, 7 में तो पूरा का पूरा डिवाइड करके देखना पड़ता है अपन को। अब होता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो 8 का रूल 4 जैसा ही होता है। 4 का रूल क्या था कि लास्ट के दो डिजिट को डिवाइड करके देखो, अगर डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 8 में क्या करते हैं, लास्ट के 3 नंबर लेते हैं, 3 नंबर्स 1 2 3, इन तीनों नंबर्स को अलग लिखो, इनको 8 से डिवाइड करो, 8 6 48, बचेगा 2, तो बचेगा 4, 4 उतार लिया तो 8 3 24, पूरा का पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो गए, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया? और अगर लास्ट के 3 नंबर डिवाइड नहीं हुए तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लो इस नंबर का चेक करना है, 6 8 6 4 8 7 5 3, ये 8 से डिवाइड डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट के 3 नंबर ले लो 7 5 3, इसको 8 से डिवाइड करो, 75 में जाएगा पहले, 8 9 72, बचेगा 5 में से 3 काटा 2 काटा तो 3, ये 0 हो जाएगा, फिर उतार लिया 3, 33 बचेगा, 8 4 जा
32, रिमाइंडर आ गया 1। देखो रिमाइंडर आ गया, पूरा का पूरा डिवाइड ही नहीं हुआ, यानी कि ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 9 की। तो 9 का रूल वैसा ही है जैसा 3 का है। चलिए, तो 9 का रूल क्या होता है, जैसा 3 का रूल था वैसे 9 का रूल है कि डिजिट्स को सम कर लो, अगर वो 9 का मल्टीपल है यानी 9 की टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। 3 में क्या था, 3 में भी यही था, डिजिट्स का सम कर लो अगर 3 की टेबल में है तो 3 से होगा। तो सेम रूल है, आप 6 + 5 + 4 + 3 एक नंबर था ये, तो ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा पूरा मुझे बताएं। तो डिजिट्स को सम कर लूँ, 6 + 5 = 11 11 + 4 11 + 4 15 15 + 3 18 18 आ गया। तो 18 9 की टेबल में आता ही नहीं आता, आता है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया, तो इसी तरीके से 9 का करोगे। अब अपना आता है 10 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 10 का तो सिखाने की नहीं, जिस नंबर के लास्ट में 0 वो 10 से डिवाइड होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। अब आता है अपना 11 का डिविजिबिलिटी रूल, इंपॉर्टेंट है बहुत, थोड़ा अलग है, थोड़ा सा टफ है, ध्यान से समझेंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, यानी आप ऑड जगह पे जो नंबर्स हैं उनको जोड़ दो, इवन जगह वाले नंबर्स को जोड़ दो और उनका माइनस करो, या तो वो ज़ीरो आना चाहिए या फिर 11 की टेबल वाला नंबर आना चाहिए, जैसे 11 22 33। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, देखो ये कि 4 6 9 7 11 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो ऑड प्लेसेस कौन है, ये और ये दो तो ऑड है, ये पहले फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर ऑड नंबर, ऑड प्लेसेस वाले नंबर हो गए, और ये दोनों इवन प्लेसेस वाले नंबर हो गए, क्योंकि ये होता पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 1 और 3 ऑड हो गए ना, तो फर्स्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन ऑड प्लेस हो गई और ये सेकंड पोजीशन फोर्थ प्लेस पोजीशन इवन प्लेस हो गई। तो ऑड प्लेसेस का सम निकाल लो, 4 + 9 कितना होगा, 13। ठीक है, इवन प्लेसेस का सम निकालो, 6 + 7 कितना हुआ, 13। और 13 में से 13 माइनस करो, ऑड प्लेसेस के सम में से इवन प्लेसेस का सम माइनस करो, कितना गया, 0। 0 आ गया, या तो 0 आ जाए या 11 22 ऐसा आ जाए, तो ये नंबर यस पूरा 11 से डिविजिबल होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए एक नंबर है 5 8 9 8 2, बताओ ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ऑड प्लेसेस कौन है, पहला तीसरा और पांचवा, एक एक छोड़ते जाओ, ये और ये ऑड प्लेसेस हैं, तो इनका सम हो जाएगा 5 + 9 + 2, 5 और 9 14 और 2 16, ये दोनों इवन प्लेसेस है, सेकंड और फोर्थ, तो इनका सम हो जाएगा 8 + 8 16। अब देखो 16 में से 16 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 0। समझ में आ गया, तो यानी यस ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 प्लेस तो ऑड की है और 2 प्लेस इवन की है, देखो पहला तीसरा और पांचवा नंबर ये ऑड नंबर वाले हो गए, ऑड प्लेसेस वाले नंबर हो गए, ये दोनों इवन प्लेसेस वाले नंबर हो गए। एक एग्जांपल लास्ट और ले लेता हूँ। चलिए अगला नंबर है 6 1 8 0 9, तो ये नंबर और ये नंबर ऑड वाले, ये दोनों इवन वाले, तो यहाँ हो जाएगा 6 + 8 + 9 कितना हो जाएगा, 6 और 8 14 14 और 9 25, नहीं 23, और ये हो जाएगा 1 + 0 1। अब ऑड प्लेसेस में से इवन प्लेसेस को माइनस करो, सम को इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ गया, 22। और अब देखो इस बार 0 नहीं आया, लेकिन 22 11 की टेबल में आता है, मैंने बताया था, तो 0 आना चाहिए, 11 का टेबल का नंबर आना चाहिए, तो 22 आ गया, तो यस ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो यहीं तक अपन को पूरा पढ़ना था। चलिए अब मैं एक्सरसाइजेस के, देखो सब एक्सरसाइजेस में आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो मैं आपके एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, उनको सॉल्व कर देता हूँ, उसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने होंगे फटाफट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। चलिए तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको हर नंबर बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, हर नंबर में आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि एक तो डिविजिबिल 4 से डिविजिबल है या नहीं, या 8 से नहीं, दो दो नंबर से चेक करना है कि 4 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा होगा या नहीं होगा, या फिर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो दो दो बार करना है।
तो सबसे पहले मुझे 4 से चेक करना है, बाय 4। तो 4 का क्या रूल था, लास्ट के 2 डिजिट्स ले लो, तो लास्ट के 2 डिजिट्स ले लो, उसको 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो 1, ये उतार दिया 2, 4 3 जा 12, पूरा का पूरा चला गया। तो यस डिविजिबल, इसी तरीके से कॉपी में करना आपको, बाय 4। ठीक है, तो ये मैंने पहला कर लिया। अब दूसरा मैं कर रहा हूँ 8 से, हर नंबर को दो दो बार चेक करना है, 4 से भी 8 से, तो 8 से बाय 8 चेक करना है। तो 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 नंबर लेने पड़ेंगे, बताया था ना, तो 352 उसमें 8 का डिवाइड दो, 8 4 जा 32, माइनस करेंगे 3 बचेगा, ये उतार दिए 3, फिर 8 4 जा 32 को माइनस कर दिए तो आ गया 0, यहाँ पे भी आ गया। तो यस डिविजिबल बाय 8। तो इस तरीके से सब सवालों में करना है। 4 से कैसे चेक करोगे, इस तरीके से करोगे, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखोगे, और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट को। अगर पूरा रिमाइंडर आ जाए तो यहाँ यस लिख दो, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए कुछ रह जाए तो नो लिख दो, समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पे भी यस लिख दो, अगर नहीं आए तो नो लिख दो, समझ में आ गया। अभी अपना दोनों में यस आ गया, आपके नो भी आ सकता है, कि मान लो यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आए माइनस करने के बाद, तो यहाँ लिखोगे नो डिविजिबल नॉट बाय 8, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, आपको चेक करना है कि इसमें एक नंबर से चेक करना है, पिछली बार 4 और 8 दो दो नंबर से चेक करना था, इस बार सिर्फ एक ही नंबर से चेक करना है, 6 से। जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे ऐसे बहुत सारे, मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया, आपको चेक करना है कि 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखो 6 का रूल मैंने क्या बताया था, जो नंबर 2 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको इसमें 2 का चेक करना है और 3 का चेक करना है, अगर दोनों यस हो गए तो 6 में यस हो जाएगा, अगर दोनों में एक भी नो हो गया तो फिर नो हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बाय 2, चेक करते हैं 2 से होगा कि नहीं होगा। तो 2 में तो सिर्फ सीधा सा था, लास्ट का डिजिट अगर 0 2 4 6 8 हो जाए तो यस, नहीं तो नहीं होगा। तो लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है, और 4 है तो क्या हो जाएगा, यस डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड है। चलो अब अपन चेक करेंगे बाय 3। देखो कॉपी में भी आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो 3 से चेक करते हैं, तो 3 में क्या था, 3 का रूल था डिजिट्स को प्लस कर लो, तो 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, तो 2 प्लस 9 11 11 और 7 18 19 20 24, डिजिट्स का सम 24 आ गया। क्या 24 3 की टेबल में आता है, यस आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यस डिविजिबल बाय 3। अब देखो नंबर 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब 6 से भी डिवाइड होगा। सो 297114 इज डिविजिबल बाय 6। अगर इसमें यस आ जाए, इसमें नो आ जाए, इसमें नो आ जाए, इसमें यस, तो यहाँ पे भी फिर नो ही आ जाएगा, दोनों से डिवाइड हो गया, तो पूरा पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। चलो इसका मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन ले लिया सेकंड 1258, बताओ 6 से है कि नहीं। तो सबसे पहले बाय 2 चेक करते हैं, तो 2 में तो लास्ट में 8 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, अब अपन बाय 3 चेक करते हैं, तो 3 में 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8, जोड़ो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 5 8 8 प्लस 8 16, अब 16 3 की टेबल में आता है क्या, तो नो हो गया यहाँ पे, नो 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से जाएगा लेकिन 3 से नहीं जाएगा, तो 6 से जाएगा नहीं आएगा, नो नॉट डिविजिबल बाय 6। क्यों, क्योंकि जब 2 और 3 दोनों से जाए तो ही 6 से जाएगा, यहाँ 2 से तो जा रहा है लेकिन 3 से नहीं जा रहा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में डिविजिबिलिटी बाय 11 से चेक करना है, मैंने कहा था 11 इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो इसमें ऑड प्लेसेस पे तो कौन हो गए, ये, और इवन प्लेसेस पे कौन हो गए, ये दोनों नंबर। तो ऑड प्लेसेस का सम बताओ पहले, तो ऑड प्लेसेस 1 प्लस 8 प्लस 4 कितना, 8 और 9 13। ऐसे ही इवन प्लेसेस का सम बताओ, 0 प्लस 2 2। ठीक है, अब डिफरेंस निकालो दोनों का, इसी तरीके से आपको कॉपी में करना है, DIFFERENCE। तो 13 माइनस 2 कितना आ गया, 11।
अब 11 आ गया ना, या तो 0 आ जाए या 11 की टेबल वाला नंबर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, यस 108248 पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे वही ऑड प्लेसेस का सम निकालो और इवन प्लेसेस का सम निकालो। ऑड भी हो जाएगा ये वाला नंबर, ये वाला एक नंबर, फिर छोड़ के एक नंबर, फिर एक और छोड़ के एक नंबर, फिर ये, तो जिनके नीचे लाइन लिखी हुई वो ऑड प्लेसेस वाले नंबर हो गए। तो इनको जोड़ो, 7+3+9+5। इसी तरीके से आपको कॉपी में करना है, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 हो गए। इवन प्लेसेस का सम, 1+8+6, 8 और 9 15। अब आप निकाल लो डिफरेंस, तो डिफरेंस हो जाएगा 24 माइनस 15 आ जाएगा 9। अब देखो 9 तो ना तो 0 है ना ही 11 की टेबल वाला नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है। देखो, इस जगह पे एक नंबर है -6724, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आप क्या करो, इन डिजिट्स का सम कर लो पहले, 6+7+2+4, क्योंकि 3 के रूल में डिजिट्स को प्लस ही तो करते थे। 6+7 13 14 15 और 4 19, कितना गया 19। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जो 19 में जुड़ते ही क्या बन जाए, 3 की टेबल का नंबर बन जाए। तो यहाँ पे मान लो सबसे कम रखो 1, तो 1 रखोगे तो फिर इन सब का सम हो जाएगा, यहाँ तक तो 19 हो गया, 19 और 1 20, लेकिन 20 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या रखो आप, 2 रखो। अब देखो 19+2 कितना होता है, 21, और 21 3 की टेबल में आता है, यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है का सेकेंड फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे कौन सा नंबर रखें कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो, ये तो हो गई मेरी ये और ये 3 नंबर तो हो गए ऑड, और ये 2 हो गए मेरे इवन। तो ऑड का सम निकाल लो, 9 और 8, यहाँ तो कुछ है नहीं तो अपन को अभी लिखना नहीं, 9+8 17, और इवन का निकाल लो, 2+8 थोड़ा गलत हो गया, ऑड प्लेसेस पे आएगा ये वाला नंबर और 8 वाला नंबर, और इवन प्लेसेस पे आएगा 2 3 और 9। तो ऑड प्लेसेस का सम कितना हो जाएगा, 9+8, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं है, 17। और ऐसे ही इवन प्लेसेस का सम कितना हो जाएगा, 2+3+9, 5 और 9 14। अब देखो 17 और 14 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, 3 ही रखना है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक टेबल है जिसमें आपको सभी से बताना, देख मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका टेबल है जिसमें आपको सभी से चेक करना है, जैसे 128 को 2 से जाएगा डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, नो चेक कर करके यस नो फिल करना। तो आपको इसको बुक में ही फिल करना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो रफ़ कॉपी में नोट कर लें इसको एज इट इज़ PDF से, और रफ़ कॉपी में फिल करें, और जिनके पास बुक है वो बुक में फिल करें। समझ में आ गया? जैसे 990 है तो 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, लास्ट में 0 तो यस, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा तो 9+9 18 18 जाता तो यहाँ पे भी यस, 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा तो लास्ट के 2 डिजिट कर लो। तो सभी से अब आपको इन सब टेबल्स को बनाए, तो डेली 2-2 3-3 कॉलम आप भर लेंगे। समझ में आ गया? तो आपको एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक तो आपको कॉपी में करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 को बुक में फिल करना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।